ये है एयर क्वालिटी डिस्प्ले, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, PM2.5, PM10 सब पैरामीटर्स दिखा रहा है। यहाँ रिमोट में इसका सेटिंग देखिए। अभी ये जो सेंसर बॉक्स है यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, ठीक है। अभी सिग्नल बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है, तो ये सेटिंग्स मोड में चला गया, ठीक है। तब ये आप टाइम सेट कर सकते हैं, सिग्नल बटन को प्रेस करके टाइम में फिर जाइए, बस टाइम को दीजिए, उसके बाद ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। ऊपर रेड कलर का वो सेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अपडेट के बाद देखिए वो जो नेक्स्ट बटन है ओके के पास, ठीक है, जो नेक्स्ट बटन उसको प्रेस करने से वो आपका चला गया ईआर पे, ठीक है। तो आप ईआर सेट कर सकते हैं, अभी सिग्नल बटन को प्रेस करके ईआर में एंटर करके फिर आप इसको सेट कीजिए, उसके बाद फिर रेड बटन प्रेस करके सेट कर दीजिए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन में जाइए ओके के पास, जो नेक्स्ट बटन है, फिर ये चला गया ए, ए में है आपका, ए में है आपका टेम्परेचर, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी, ठीक है, फिर PM2.5, PM10, ऐसे करके आप ABCD करके जो जो है उस पैरामीटर्स में आप जाइए, फिर एंटर कीजिए सिग्नल बटन से, ठीक है। एंटर करने के बाद उसको सेट कीजिए, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कीजिए, इंक्रीज बटन लगाना, इससे ओके के ऊपर जो है वो नीचे जो है वो इंक्रीज के लिए है, सॉरी डिक्रीज के लिए है, ऊपर जो है वो इंक्रीज के लिए है, ठीक है। तो ऐसे आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद ओके बटन प्रेस करके इसको सेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।